ट्रकों के पीछे ये लिखवा लेते हैं कि मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। मैं पूछता हूं, अगर तुम्हें दावत इस्लामी से प्यार है फिर अबू तालिब से प्यार क्यों नहीं? तो अपने उलमा से पूछे कि मक्के में जो दावत इस्लामी की सदावत रशीदा कहते हैं वो हवेली किसकी थी, वो घर किसका था? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इलेक्शन अपोजिशन तो चाहती है जल्दी हो जाए लेकिन होते नजर नहीं आ रहे। इलेक्शनों के मौसम में इस बात का ज्यादा लुत्फ आता है कि अल्लाह ने हुजूर से कहा कि मेरे मिशन के लिए अब फिजिकली प्रोग्राम करवाओ और लोगों को बुला के दावत इस्लामी की बात करो। अल्लाह ने हुजूर से कहा कि लोगों को इस्लाम की दावत दो और हुजूर ने चाची अबू तालिब से कहा कि चाचा आर्डर आ गया है, मैंने जलसा अल्लाह का करना है, लंगर भी चाहिए जगह भी चाहिए। मैं को बैठ लिया ड्राइंग रूम में, बात नहीं कर रहा, कैमरों की मौजूदगी में कह रहा, जिम्मेदार पब्लिक में खड़ा होकर बैठ के ये बात कर रहा कि खुदा मेरा जानता है पहली दावत ज़िलाशीरा जिस हवेली में हुई वो दारे अरकम नहीं था। कोई तो समझे करे, वो घर अबू तालिब का था, वो हवेली अबू तालिब की थी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार पतनी तो हमारे मुल्क के पानियों का असर है या हौसलों का असर है। यहां बंदों का मिजाज बड़ा अजीब है, पढ़े लिखे भी होते हैं, यानी एक मैं फिक्रा कह रहा हूं, अली को करामुल्ला मानते हैं, अबू तालिब का मजहब पूछते हैं। कोई कोई अल्लाह करे